देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाले आर वैल्यू में लगातार वृद्धि हो रही है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्य इस मामले में शीर्ष पर हैं। केरल में इलाजरत मरीजों की संख्या सबसे अधिक होने की वजह से वहां आर वैल्यू लगातार 1.11 के करीब बनी हुई है, जबकि इसे 1 से कम होना चाहिए। आर वैल्यू में वृद्धि से महामारी के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंता बढ़ गई है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के विश्लेषण में कहा गया है कि देश के दो महानगरों पुणे और दिल्ली में आर वैल्यू 1 के करीब है। गणितीय विज्ञान संस्थान में अनुसंधान टीम का नेतृत्व करने वाले सीताभरत सिन्हा ने कहा है कि एक विश्वसनीय अनुमान पाने के लिए भारत के उपचाराधीन मरीजों की संपूर्ण संख्या में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन आंकड़े एक करीब मान रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं आने वाले दिनों में ये ऊपर या नीचे जा सकता है। केरल में इलाजरत मरीजों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए वहां आर वैल्यू लगातार 1.11 के करीब बनी हुई है। सिन्हा ने आगे कहा, इसलिए ऐसा लगता है कि केरल अगले कुछ हफ्तों में इस मामले में शीर्ष पर बना रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, जहाँ ज्यादातर राज्यों में आर वैल्यू 1 से अधिक है। पूर्वोत्तर में सिर्फ त्रिपुरा में आर वैल्यू 1 से कम है, जबकि मणिपुर में 1 से आंशिक रूप के नीचे है। भारत के अन्य राज्यों में उत्तराखंड में आर वैल्यू इन दिनों 1 से काफी करीब है। पुणे का बुरा हाल है, दिल्ली की स्थिति भी अच्छी है। बड़े शहरों में पुणे में आर वैल्यू 1 से अधिक जान पड़ती है, जबकि दिल्ली में ये 1 के करीब है। पुणे में 4 जुलाई से 20 जुलाई के बीच ये 0.84 रही है। वहीं बैंगलोर में ये 17 से 23 जुलाई के बीच 0.72 पाई गई है। मुंबई में आर वैल्यू 22 से 24 जुलाई के बीच 0.74 रही है। चेन्नई में 21 से 24 जुलाई के बीच ये 0.94 रही है। वहीं कोलकाता में ये 17 से 24 जुलाई के बीच 0.86% रही है। क्या होता है आर वैल्यू? आर वैल्यू या संख्या कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। आर या प्रभावी रिप्रोडक्शन नंबर एक अनुमान होता है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। इस संख्या से पता चलता है कि औसतन कितने लोगों के एक कोविड संक्रमित व्यक्ति से पॉजिटिव होने की संभावना होती है। महामारी के खत्म होने के लिए आर को 1 से नीचे बनाए रखना होता है। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।